के सेक्टर 37 स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला शिकायत करने पहुंचे, जहां जाट उत्थान समिति के पदाधिकारियों एवं जिला टैक्स बार के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर ओम प्रकाश चौटाला का स्वागत किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश चौटाला ने महाराजा सूरजमल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके बलिदान को याद किया और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री खट्टर को निशाने पर लिया। इस अवसर पर ओम प्रकाश चौटाला ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री पर कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ली थी कि यदि हरियाणा के किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो तो वह मुख्यमंत्री निवास पर आए, जहां पर बात सुनकर उनकी मदद की जाएगी। इस पर चौटाला ने कहा कि इत्तफाक से उन्हें एक बार चंडीगढ़ जाने का मौका मिला। वो अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहे थे तो संजोग से जिस सड़क से वो जा रहे थे उसी रास्ते में मुख्यमंत्री खट्टर का निवास था। चौटाला ने कहा कि मैंने देखा मुख्यमंत्री निवास का प्रांगण बिल्कुल खाली था। उन्होंने गाड़ी रोककर आसपास के लोगों से पूछा कि मुख्यमंत्री निवास तो सूना पड़ा है, क्या लोग दरख्वास्त देने आते हैं या उनके काम नहीं होते? तो स्थानीय लोगों ने बताया कि जब काम होते ही नहीं तो करेंगे क्या लोग यहाँ करके, यदि कोई दरख्वास्त देने के लिए आता भी है तो मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें जेल भेज देते हैं। वहीं चौटाला ने 10 साल जेल की सजा पर कहा कि वह अपने मुख्यमंत्री काल में हर बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देना चाहते थे, जिनमें से मात्र 6 बच्चों को नौकरी देने के चलते उन्हें 10 साल की सजा मिली और यदि उन्हें हरियाणा के लाखों बच्चों को नौकरी देने के बदले फांसी चढ़ना पड़े तो वह फांसी भी चढ़ जाएंगे। लेकिन ये संभव तभी होगा जब हरियाणा की जनता जनतांत्रिक तरीके से इनेलो की सरकार बनाएगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सर्वप्रथम ने घोषणा की थी कि यदि किसी नागरिक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कठिनाई हो तो मुख्यमंत्री निवास पर आए, हमारे यहाँ जो कोई भी दरख्वास्त देगा हम उसकी पूरी मदद करें। इत्तेफाक से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। संयोग से जिस सड़क से मैं जाता था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने देखा मुख्यमंत्री की कोठी सुननी पड़ी है, एक भी आदमी नहीं था। मैंने गाड़ी रोक करके अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला करके पूछा कि भाई मुख्यमंत्री निवास तो सुनना पड़ेगा, लोग दरख्वास्त देने आते नहीं है या उनके काम नहीं होते? तब लोगों ने बताया कि क्या करेगा कोई यहाँ आके, काम तो किसी का होता नहीं, कोई दरख्वास्त देने के लिए आए तो पुलिस वाले उसे पीट करके जेल भेज देते। हम हर योग्य बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दें। 3206 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई थी। आपके मैं आपसे वायदा करता हूँ, आपको कहता हूँ कि मेरी कई भी बात को लोगों तक पहुँचाए, जब लाखों बच्चों को नौकरी देने के बाद में उन्हें फांसी चुटना पड़ेगा।